इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ मिलेंगे कि आप किस तरह जब भी अफ्तार पार्टी या ईद पे जा रहे हैं किसी के घर, तो आप मिठाइयों के अलावा और क्या क्या ले जा सकते हैं। बच्ची की ईदी जा रही है, किसी बच्चे की रोज़ा खुश आई है, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए मिलते हैं फिरोज़ा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हैं। ठीक ठाक हैं। अच्छा जी, तो हम कुछ ऑप्शंस दिखाना शुरू करते हैं। अब ईद ये वाली जो बॉक्स आप मैं देख पा रही हूँ, ये किस लिए है? ये आप भी बताना चाहे तो आप गाइडलाइन दे सकते हैं। आप जी, ये बेसिकली जो है आप मुख्तलिफ पर्पज़ पे यूज़ करते हैं, लेकिन जो इसका जो स्पेशल पर्पज़ है, आप रमज़ान पे जाती हैं किसी के घर पे, तो आपने दे सकते हैं किसी को भी रमज़ान गिफ्ट समझ के दे सकते हैं। रमज़ान गिफ्ट भी है। अब अक्सर घरों में रमज़ान से पहले ही सौगात भेजी जा रही होती है, जैसे इसमें जा नमाज है, तस्बीह है, खजूर है, उम्रे के माशाल्लाह से कुरान शरीफ है, उम्रे के लिए इतर है, और क्या तस्बीह है, मिसवाक है। तो उम्रे की नियत से भी जब आप जाते हैं उसके बाद भी इसी तरह के सौगात लेकर आते हैं, तो वो ये एक प्रॉपर एक आइडिया है बॉक्स का। और ये आप लोग बना लेते हैं ऑर्डर पे जी सारी चीज़ें? जी जी आप जो भी मतलब कुछ ऑर्डर प्लेस करने से कितने मतलब लाइक जब चाहिए तो कितने दिन पहले आपको ऑर्डर? वन डे मतलब। देखिए मैं बताना चाहूँगा, इसके मुख्तलिफ होते हैं, आपकी क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो हम आपसे जो है टू वर्किंग डेज लेंगे, अदरवाइज हम आप कहेंगे कि एक पीस चाहिए, दो पीस चाहिए, तो हम आपको फर्दर रेडी कर देंगे 2 से 3 घंटे के टाइम में। ठीक है। आप देखिए ये वाला एक अक्सर हम क्या होता है मिठाइयाँ ही लेके जा रहे होते हैं। हाँ मुझे पता है सौगात थोड़ी महंगी है, ड्राई फ्रूट्स ये वो, लेकिन अब मतलब डिपेंड करता है ना आपकी क्या वो है। सर्दी में और ससुराल में भी होता है, मैंने देखा अक्सर टोकरियाँ लेकर मेवे लेके जा रहे होते हैं। देखिए अब ज़माना बदल गया तो स्टाइल भी बदला है। आप ये देखिए ना, एक इस तरह का गिफ्ट पैक है जिसमें सारे मेवा जाते हैं और उस तरह की पैकिंग हुई हुई है। तो टोकरियाँ खुदा के वास्ते अब ले जाना बंद करें, अब मॉडर्न हो गया ज़माना, और इन लोगों से मज़रियात जो है इन लोगों से रुजू करें, ये आपको बताएंगे आज का जमाना क्या आज का जमाना। मैडम का आइडिया था ये कि ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए, मिठाई वगैरह तो सब पेश करते हैं, बिल्कुल, तो ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। ईद पे भी आप जा रहे हैं, रमजान में भी कहीं किसी के घर जा रहे हैं, तो आप इस तरह की चीजें बना के ले जा सकते हैं। फिर ये एक बास्केट है, किसी बच्चे की रोजा खुशाई है, मंगेतर है, मंगेतर के लिए कुछ देना है, ईदी के साथ कोई चॉकलेट जाएंगी बच्चियों को, बच्चों को पता है कि भाई यही चॉकलेट ही पसंद है, पहली ईदी है, पहली ईद है, बेगम को कोई गिफ्ट देना है, ईदी रख के देनी है, तो ये भी, ये तो भाई हर उम्र के लोग पसंद करते हैं। तो एक आइडिया यहाँ से मिल रहा है कि एक इस तरह का डब्बा है, बास्केट है, और वो इसके इस तरह सजा के दे सकते हैं। फिर अगर मिठाई भी है तो मिठाई डब्बों के अंदर और यूँ थैले पकड़ के ले जाना किसी के घर, ये तो मुझे बिल्कुल समझ ही नहीं आती कहानी। तो उसके लिए एक प्यारी सी ट्रे भी है और उस पर प्लास्टिक लगा के इस तरह सजाया हुआ भी है। बहुत सारे आइडियाज़ देखें आपको मिल रहे हैं स्ट्रीट के अंदर, इस तरह आप लेके जाएं तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और इसमें कम किलो भी आती है ना मिठाई, वरना आपको ज़्यादा डब्बा तो जो साइज कहेंगे वो रेडी हो जाएगा, है ना इंशाल्लाह। ये देखिए यहाँ पे देखें साथ, ये बहुत ही मुझे अच्छा आइडिया लगा कि ये बकेट टाइप इन्होंने बनाई हुई है, उसके अंदर निम को, ये भी रमज़ान में स्पेशली जब आपने आप अफ्तारी भेज रहे होते हैं बना के, अक्सर मैं आपको एक आइडिया दूं, जब आप अफ्तारी बना के किसी के घर भेजते हैं और उनके घर बहुत सारी अफ्तारियां आई भी होती हैं, तो कभी कभार वो अफ्तारी ज़ाया हो जाती है, खा ही नहीं पाती। तो ये निम्को, सो ये एक आइडिया है अफ्तारी भेजने का कि अलग अलग निम्को या कुछ ऐसी चीज़ें, और जब आपके घर में कोई बनाने वाला भी नहीं है कि अफ्तारी की ट्रे जाए, तो ये आइडियाज़ उस वक्त काम आते हैं कि अफ्तारी जो है उसमें निम्को पैक, या आप कभी भी खा सकते हैं, कभी भी इस्तेमाल हो सकती है घर में। सो इस तरह की के आइडियाज़ उसमें काम आते हैं। ये जो जैसे खजूर ये है, ये वाली भी चीज़ें अफ्तारी के तौर पर आप भेज सकते हैं, खजूर है, शरबत है, इतर है, ये सारी चीज़ें, तो आपको अलग अलग आइडियाज़ मिल रहे हैं। अच्छा ये बताएं ज़रा, ये लड्डू का आइडिया किस चीज़ के लिए? ये है मतलब कबूले के टाइम पर। हाँ, तो बहुत सारे लोग निकाह करते हैं रमजान में है, जी, जी। और बहुत सारे लोग ईद पर जो है उनकी शादियां हो रही होती हैं, वो सेकंड डे रखते हैं कि निकाह मुबारक दिन है और ये वो। सो ये एक छोटा सा आइडिया है, देखें ये एक्सपेंसिव नहीं होती ये चीजें, लेकिन बस एक सलीका नजर आता है कि देखें इस तरह प्रेजेंटेशन हो जाती है। तो ये और खास तौर पे ईद मुबारक लिखा हुआ है इस पर, या कोई भी नाम दुल्हा दुल्हन का लिख दें या जिसका निकाह है। अच्छा अब एक आइडिया मुझे, मैं यहाँ से हटा के ज़रा इधर जा रही हूँ क्योंकि ताकि मैं दिखा सकूँ, ये छुप ना जाए। अब ये आइडिया देखें आप, ये लड़के को ईदी देने का है या लड़के को शादी पे गिफ्ट देने का है, ये ईद मुबारक भी लिखा हुआ है, पूरा कितना अच्छा सेटअप हुआ हुआ है, पूरी एक मतलब
देख के उसके लिए एक घड़ी का रखने की जगह बनाई हुई है, ये कस्टमाइज लग रहा है, है ना। आप अगर फर्ज करें किसी ने अपने दामाद के लिए करवाना है तो आप मुझे ये बताएं कितने दिन पहले आपको ऑर्डर दे और चीजें ला के देंगे, भाई ये चीजें इसके लिए आपने ये बनवाना है। ठीक है, ये जैसे कि अगर आपने ये सेम एज इट इज़ ये बॉक्स बनवाना है आपने, तो आपको जो है 2 वर्किंग डेज का टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होगा इसके लिए। ठीक है, आप टू वर्किंग डेज का टाइम देंगे। अगर आप कहेंगे सामान आप अरेंज कर लें तो सामान भी हम अरेंज कर लेंगे। अगर आप कहेंगी कि जो है सामान जो है हम देंगे, आपने सिर्फ इसको डिज़ाइन करना है और एक्रेलिक बॉक्स आपने तैयार करना है, तो ये भी पॉसिबल है। वरना वन डे में हो जाता है, वन डे में वैसे हो जाता है, लेकिन कमिटमेंट खराब ना हो कस्टमर से, इसकी वजूहत पर हम 2 वर्किंग डेज का टाइम देते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब ये इसी तरह ये ज़रा पीछे करते हैं, वो लड़की की थी, थोड़ा सा अभी इसको डब्बे को पीछे करके इधर लाइए ताकि मैं इसको सही से दिखा सकूँ। इधर लाइए, आप ये देखें, आप कितनी खूबसूरत लग रही है कि ये लड़की की ईदी है, इसमें जूती भी आ गई, ज्वेलरी भी आ गई, जोड़ा भी आ गया, और ये एक बहुत अच्छा आइडिया। अक्सर मैंने देखा ऐसे लेटे लेटे वो होते हैं, मगर अब इंस्टा का दौर है, अब जी फेसबुक का दौर है, अब सोशल मीडिया का दौर है, सो ये ईदी सिर्फ घर वाले नहीं देखेंगे, ये ईदी लड़की की दोस्तें भी देखेंगी, खानदान वाले भी देखेंगे, सारे इंस्टा फॉलोअर्स भी देखेंगे। तो ये देखें कितने अच्छे आइडिया हैं कि एक बॉक्स जिसको आप लेटा हुआ नहीं है बॉक्स, इस तरह पूरा नज़र आ रहा है, तो ये बहुत बहुत मज़े का लग रहा है। ये भी वही 2 दिन का टाइम? जी जी बिल्कुल। इसी तरह अब अगर मैं आती हूँ साथ ईदी के जा रही है मेहंदी, आपका बजट उतना नहीं है, चलें थोड़ा बजट है कपड़ों के साथ, इस तरह ये टोकरी में मेहंदी और चूड़ियाँ आ गई साथ, ये मुझे बहुत अच्छा आइडिया लगा। देखिए सबके अपने बजट्स होते हैं, अब आप अफ्तार पार्टी में कहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये एक प्यारा सा दस्तरखान है, दस्तरखान है ना, इसको आपने इस तरह रैप किया हुआ है और ये आपने जाके गिफ्ट दे दिया, आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है, कम बजट में भी ये कैसे कैसे आप प्रेजेंट करें, किसी चीज़ में रखेंगे या इसको बास्केट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप, इसको जो ऐसे भी टाई हुआ है बहुत प्यारा लग रहा है, ऐसे भी प्रेजेंट कर सकते हैं आप इसके इस पूरे क्या नाम है उसका दस्तरखान के अंदर रमज़ान मुबारक लिखा हुआ है। और मैं वही कह रही हूँ कि अगर बहुत सारे आपका बजट नहीं है, आप खजूर तस्बीह जानमाज़ ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये एक चीज़ भी रमज़ान से पहले अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ एक सौगात के तौर पर, गिफ्ट के तौर पर भिजवा सकते हैं। इट डिपेंड्स, आपके आइडिया की बात होनी चाहिए। अच्छा, अब ये देखिए फ्रूट बास्केट है, ये किसमें है फ्रूट बास्केट? बहुत अच्छी पैकिंग हुई हुई है, ये टोकरी है पूरी जी माशाल्लाह। सब चीजें मैं आइटम्स अपने दुबई से मतलब लेकर आती हूँ। अच्छा, मैं ज्यादातर वहीं पे रहती हूँ तो वहाँ से सब चीजें यहाँ लेकर आती हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ये फ्रूट जो है, अगर आप किसी के यहाँ अफ्तार पार्टी में जा रहे हैं, कुछ कोई आपने लेके जाना है, तो फ्रूट काम आएगा ना जी। बाकी मिठाई मिठाई तो खाए नहीं खाए, मीठा नहीं खाते हम, फ्रूट तो सभी खा रहे हो, मतलब अक्सर लोग डिनर के बाद तो फ्रूट तो खाते जब तक डिनर के बाद खाने के नहीं होते, नहीं होते, सुबह खाने के होते, गलत करते हो। उसी तरह आप ये देखिए, अच्छा इसका क्या है, ये पूरा जो सौदा है ये रमजान की सौगात, रमजान की है पूरा, इसमें बेसन कोल्ड ड्रिंक और वो इस तरीके के पैकेजेस प्रेजेंट करी जाते हैं जी जी। तो ये वाले से बना, हाँ, ये भी बना, ये मतलब ससुराल में मतलब कहते हैं ना कि मतलब ज्यादा मतलब ससुराल के हमारे पास तो मोहल्ले वाले भी भेजते हैं, हाँ, मतलब सौदा भेजते हैं पूरा बाकायदा रमजान का। ये तो इसमें हमने 2 चीजें बनाई है, एक बास्केट भी होगी, ये भी होगी, मतलब ये ससुराल के ईदी के हिसाब से जी जी। एक ये बास्केट, एक इसके बराबर में आप देख सकती है व्हाइट नेट वाली बास्केट, दो ऑप्शन है जी बिल्कुल, इसमें खीर और वो। अच्छा, ये केक देने का भी तरीका आ गया, बाकायदा गत्ते के डब्बों में जो कि हम केक देते हैं, उसके अलावा ये भी आइडिया है कि इस तरह हम ईद मुबारक का केक दे सकते हैं। ठीक है, फिर अब आप मैं आपको दिखाऊंगी बच्चों को, जिनकी रोज़ा कुशाई होती है बच्चों की, ये देखिए उनको एक लिफाफा अम्मा को पकड़ा देते हैं हम, और पता नहीं बच्चों को कभी मिलेगा नहीं, लेकिन मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये देखिए ये वाला, इसमें आ गई जी उनकी खर्ची, लिफाफा जो भी वो उनकी सलामी क्या कहते हैं उसे जब पैसे देते हैं तो, है ना। और उसके बाद जो है ये इसमें छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कितना खूबसूरत और कितना क्यूट लग रहा है, मतलब वो बच्चे का रोज़ा होता है उस वक्त और ये देखकर ही वो खुश हो जाएगा। ये पाउचेज हैं छोटे छोटे, इसमें टॉफियाँ या कोई भी चीज़ उनके मनपसंद आप डाल सकते हैं, आइडिया की बात है। तो ये और साथ साथ ये भी मैंने कहा कि बजट के हिसाब से शरबत हो गया और खजूर हो गई, तो ये इस तरह आप जो आपके जानने वाले हैं जी उनके लिए ये अलग अलग आइडियाज हैं गिफ्ट। ये भी खजूर के बॉक्सेस, ये भी खजूर के बॉक्सेस हैं, वाओ
ये देखिए इस तरह पैक करके खजूर के बॉक्स हैं, सिंपल बजाय इसके कि आप डब्बा थैली में पकड़ा के कहीं लेके जाएं, खजूर का खाली एक बॉक्स ही आप हाथ में ले जाएं किसी के यहाँ, तो ये अच्छी पैकिंग की वजह से एक बहुत प्यारा लुक आ जाता है। बिल्कुल, ये सारी वेलकम, सारी चीज़ों के पीछे हमारी मैम का बहुत जो है माइंड है, सब कुछ इन्होंने जो है सब कुछ डिज़ाइन करवाया अपनी निगरानी में, और हमारे मास्टर्स का भी हाथ है जिन्होंने इसको डिज़ाइन किया है। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.